मध्य प्रदेश का, जहां पुलिस के जवानों पर सस्पेंशन की गाज गिर गई। 15 अगस्त में बैंड बजाने से मना करने पर 25 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिया कि एमपी पुलिस ने अपना बैंड तैयार कर लिया है। इसके लिए हर जिले से पुलिस कर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है। पुलिस बैंड में पहली बार महाकाल की सवारी में अपना प्रदर्शन भी दिया था। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बैंड में प्रैक्टिस के लिए कुछ पुलिस कर्मियों को नामित किया गया था, लेकिन इसमें शामिल होने से कुछ जवानों ने मना कर दिया। आरक्षकों का ये तर्क था कि हमारी भर्ती जनरल ड्यूटी के लिए हुई है, ऐसे में हमें बैंड बजाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद 25 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। रायसेन, मंदसौर, खंडवा, सीधी, हरदा जिलों के एसपी ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। निलंबन आदेश में पुलिस कर्मियों पर घोर अनुशासनहीनता और अवज्ञा का आरोप भी लगा है। तो कांस्टेबल का अपना तर्क है, उनका ये दर्द है कि बैंड बचाएंगे तो शादी कैसे होगी। वहीं मध्यप्रदेश के 5 जिले मंदसौर, रायसेन, खंडवा, हरदा, सीधी जिले के 25 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा मंदसौर के 10 पुलिस कांस्टेबल जिन्हें सस्पेंड किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल के बाद पुलिस बैंड की शुरुआत हो रही है और करीब 330 पुलिस कर्मी पुलिस बैंड के सदस्य के रूप में प्रशिक्षित भी हैं। आप जनरल सिपाही जो प्रदेश की सुरक्षा के लिए आपने भर्ती किए हैं, इनसे बैंड बजाने के लिए कह रहे हैं और उन्होंने बैंड नहीं बजाया तो आपने उनकी बैंड बजा दी है। एक एक आईजी, डीआईजी, एडीजी, डीजी के घर पर 15-15, 20-20 सिपाही कोई घास छील रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई बच्चे खिला रहा है, कोई पाँव दबा रहा है। जो लोग सुरक्षा के लिए तैनात हैं उनसे इस तरह के काम आप ले रहे हो। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ दिनेश शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या तर्क दे रहे हैं आरक्षक, क्या उनका ये कहना है कि क्यों मना कर रहे हैं? ये देखिए, साफ तौर पर जब ये सामने आया मामला और उन आरक्षकों का कहना है कि ये पूरा हाई कोर्ट तक मामला गया है, उनका कहना है कि उनकी जीडी में भर्ती हुई थी, जनरल ड्यूटी में भर्ती हुई थी और उनसे बैंड बजवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर वो कोर्ट भी गए हुए हैं और कोर्ट भी इस पर अभी संज्ञान ले रही है। तो इस तरह इस कोर्ट का फैसला आने से पहले पुलिस विभाग ने 25 जो पुलिस कर्मी है उनको सस्पेंड कर दिया है। तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस उन जो सिपाही हैं उनके पक्ष में उतर आई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन सिपाहियों की जो ड्यूटी है उनसे अगर पहले लिखवा अनुबंधित किया जाना चाहिए था उनके साथ कि वो बैंड बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। जब अनुबंधित नहीं है, उनको जनरल ड्यूटी में लिया गया है, तो उनपे वही ड्यूटी करवाई जाए। कुल मिलाकर बात की जाए तो अब ये पूरा सियासी मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो मीडिया विभाग अध्यक्ष है मुकेश नायक, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि बड़े अधिकारियों के यहाँ 10-10, 20-20 सिपाही जो है वो लगे रहते हैं और सरकार ये बात कहती है कि पुलिस बल कम है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो मामला है 25 सिपाहियों को सस्पेंड करने को लेकर ये पूरा सियासी होता चला जा रहा है। जी तो बिल्कुल, ये तो सुर्खियों में लगातार बन रहा है और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भी और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दिनेश आपका ही रुख, क्योंकि ये जरूर बताइए कि अब इनके पास क्या कुछ रहेगा, क्योंकि निलंबन के गाज गिर गई है। जब बिल्कुल ये जो सिपाही है इनका साफ तौर पर कहना है कि जब उनकी जीडी में भर्ती की गई थी तो अगर वो बैंड बजाएंगे या ऐसा कुछ काम करेंगे तो उनकी ठीक है। दिनेश, आपको रोकना चाहेंगे और हमारे साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी भी जुड़ गए हैं। नायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस के 25 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, ये कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता की है, अवज्ञा उन्होंने की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस काम के लिए जिसको भर्ती किया गया है, कल के रोज आप शिक्षा विभाग के टीचर से थोड़ी कह सकते हैं कि आप बैंड बजाओ। जिसके लिए जो काम दिया गया है, जिस निमित्त जिसकी भर्ती की गई है, उसके सब रूल्स रेगुलेशन सर्विस बुक होती है। अब आप अचानक किसी सिपाही से जिसका काम है सुरक्षा मध्य प्रदेश के नागरिकों की, उससे कहेंगे कि बैंड बजाओ, तो वो कैसे बैंड बजाएगा? और जब वो बैंड बजाने तैयार नहीं है तो फिर शासन ने उसकी बैंड बजा दी, सस्पेंड कर दिया। कोई व्यक्ति अगर जो उसका काम नहीं है उसको करने में वो सहज नहीं है और अपमानित महसूस कर रहा है, तो आप इतनी बड़ी फोर्स में आप अनुबंध करिए प्रॉपर के
पहले तो जो पुलिस की बैंड फोर्स होती थी वो अलग से भर्ती की जाती थी, इन्होंने बहुत सालों से उसकी भर्ती नहीं की है और यही कारण है कि जनरल सेवा में कार्यरत आप सिपाहियों से कह रहे हैं कि बैंड बजाओ। जी मुकेश जी, लेकिन साफ तौर जी मुकेश जी ये भी साफ तौर पर ये लिखा गया था, ये कहना है उनका कि जिसका मर्जी होगी वही ये काम कर सकता है, नहीं तो नहीं करेंगे, और उसके बाद भी ये आदेश जबरदस्ती निकाल दिया गया। देखिए इस तरह से इन्फोर्स करना ऑर्डर्स को और नियम के विरुद्ध जाना जाकर सस्पेंड करना ये सर्विस रूल के खिलाफ है और मुख्यमंत्री इसके खुद गृह मंत्रालय उनके पास है आज, और उस समय इस तरह की अनुशासनहीनता और कर्मचारियों का नियंत्रण से बाहर हो जाना ये एक चिंता का विषय है। जी तो चिंता का विषय है और अब आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और पंकज जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर हम बात करें 15 अगस्त को बैंड बजाने से मना किया तो अब निलंबन की गाज गिर गई है आरक्षकों पर। देखिए सोनल जी, सरकार में प्रशासन के लोगों की अधिकारी कर्मचारियों की आचार संहिता होती है, काम करने की नियम और शैली विशिष्ट और विशेष होती है, और विशेषकर जो डिसिप्लिन फोर्स है यानी यूनिफॉर्म फोर्स जैसे पुलिस पैरामिलिट्री मिलिट्री, वहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता दी होती है अनुशासन और जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना। तो यदि आपको कोई निर्देश है किसी शासकीय आयोजन का, कार्यक्रम का या शासकीय दायित्व का जिसके लिए आपने सेवा शुरू करते समय संकल्प लिया है उसकी यदि आप पूर्ति नहीं करेंगे तो विभाग को इस बात की पात्रता अधिकार है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रशासकीय व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, यदि कोई प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी प्रशासन के नियमों के आधार पर काम नहीं करता और नियम के आदेश की अवहेलना करता है। लेकिन पंकज जी ये भी उस आरक्षकों की दलील है कि सीएम के आदेश में ये लिखा गया है कि बैंड दल में उन्हीं पुलिस कर्मियों को शामिल किया जाए जो इच्छुक हों। नहीं, मैंने वो आदेश की प्रति नहीं देखी जो उनकी दलील है, पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि जो भी मध्य प्रदेश में शासकीय आदेशों का जारी होता है और क्रियान्वयन होता है वो 100% नियम कायदे कानून के आधार पर होता है। जी मुकेश जी आप तो सुन रहे हैं पंकज जी को, आप क्या कहेंगे? नहीं पंकज ये ठीक कह रहे हैं कि ये पुलिस फोर्स है और मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, ये सब यूनिफॉर्म वाले विभाग है और इसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कोई ऐसा आदेश जो उनके स्वधर्म के खिलाफ है या जो ड्यूटी उन्हें नहीं करना चाहिए वो दी जाएगी, जो उनके लिए असहज होगी, तो इससे बचना चाहिए, ये ड्यूटी उन्हें नहीं देना चाहिए। जबकि पुलिस में और सारे जितने भी पुलिस के जितनी भी फैकल्टी है सब में बैंड के लिए अलग से भर्ती होती है और ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स के लोगों को चाहे जहां भेज दो। अब ये तो देखिए जो बंगलों पे घास छील रहे हैं पुलिस वाले या बंगलों पे रोटियां बना रहे हैं या मालिश कर रहे हैं ये थोड़ी पुलिस फोर्स में आता है ना उनके अनुशासन में आता है, ये काम उनसे क्यों लिया जा रहा है? जी पंकज जी देखिए पुलिस फोर्स से वही काम लिया जा रहा है और लिया जाना चाहिए जिसके लिए वो अपेक्षित है। तो पुलिस के जवानों में ड्रिल परेड मार्च और मार्च के दौरान बैंड वादन ये सब उनकी ड्यूटी का हिस्सा है, जो उनको काम दिया गया उसका हिस्सा है ये। और मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा कि मुकेश नायक जी बहुत वरिष्ठ हैं, मध्य प्रदेश में एक परिपक्व राजनेता है, मंत्रिमंडल का भी अनुभव है, बड़े राजनीतिक नेता है मध्य प्रदेश के, कि कोई भी नियम कायदा कानून सरकार के आदेश के आधार पर चलेगा, यदि किसी को उसमें कोई विसंगति आपत्ति नजर आती है तो उसकी व्यवस्था है, अपील कर सकते हैं। तो अपील की जा सकती है मुकेश जी, हाईकोर्ट में वैसे भी उन्होंने अपील की है कई आरक्षकों ने। नहीं ठीक है, अब हाईकोर्ट फैसला करेगा उसमें तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है, न्यायालय सर्वोपरि है, उसका जो निर्णय होगा सब मानेंगे। जी तो बिल्कुल न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो मानी होगा। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि ड्यूटी का एक हिस्सा है, बीजेपी ये कह रही है, वहीं कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं।